हेलो दोस्तों, मैं अनुज बेंगलोर इंडिया से। दोस्तों आज मेरे पास i20 अस्टा आ गई है सर्विस के लिए। अब इसमें हम लोग देखें कि मेजर सर्विस होता क्या है, उसमें क्या क्या चेकअप करना पड़ता है। फर्स्ट बहुत ही अच्छे से पढ़ा, सेकंड भी बहुत अच्छा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। अब रिवर्स देखेंगे, रिवर्स तो इसमें कुछ कंप्लेन नहीं है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस। फ्रंट ब्रेक एक बार देख लेंगे, ये भी बराबर उठ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाऊं, डैशबोर्ड में कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी ब्लिंक लाइट नहीं हो रहा है। इस सर्विस में क्या क्या चेक करना है आपको, चलिए बाहर लेके चलता हूँ गाड़ी के बाहर। दोस्तों यहाँ पे जो इंजन का साउंड होता है आपको दिखाता हूँ, थोड़ा पास में लेके जाओ। दोस्तों तो पहले हम लोग यहाँ पे आपको दिखाए, और यहाँ पे टायर पीछे आ रहा है, ये टायर का कंडीशन चेक करेंगे। यहाँ पे इतना गैप है और उस साइड टायर के इधर दिखा, यहाँ पे इसका भी कंसेशन बराबर है कंडीशन। फ्रंट व्हील का देखिए, इसका भी सेम है। दोस्तों तो इसको सर्विस में डालता हूँ, जहाँ पे सर्विस करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं सर्विस में क्या क्या चेक किया जाता है। दोस्तों तो जो कि यहाँ पे सस्पेंशन का सब कुछ बढ़िया है। अब चलिए डायरेक्ट वहाँ पे लेके चलता हूँ, सर्विस करूंगा। दोस्तों तो जो कि यहाँ पे इसका साइलेंसर हम लोगों ने रिमूव किया, और दिखा रहा हूँ कहाँ पे फूटा हुआ था। दोस्तों ये देखिए कितना बड़ी होल है, और एक और है। तो ये ब्रेक ऑयल जो हम लोग चेक करेंगे, थोड़ा बताओ पास में ले जाके। तो इसका कंडीशन बिल्कुल सही है, और ये कैप खोल के देखूं कुछ गलीज तो नहीं है ना, तो ये बिल्कुल सही है। और बताता हूँ आपको, ये जो इंजन ऑयल का गेज है, इसमें फ्लश डालने की ज़रूरत है कि नहीं है वो मैं देखता हूँ। तो ये बिल्कुल अच्छा है, गंदा नहीं हुआ, इसमें फ्लश डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और ये कूलेंट एयर ले गया छोटू पास में, और कूलेंट मैं आपको दिखाऊँ। हाँ तो कूलेंट ठीक है। अब यहाँ पे ये देखेंगे डेनमो बेल्ट, डेनमो बेल्ट के पास फोकस करो छोटू अंदर, जो कि दोस्तों यहाँ पे डेनमो बेल्ट जो दिख रहा है वो देखिए थोड़ा कट चुका है, तो उसको भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब इधर आओ छोटू, अब ये एयर फिल्टर जो होता है उसको दिखाएंगे आपको। एयर फिल्टर बिल्कुल गलीज हो चुका है, तो इसको भी डेट हो चुका है, इसको भी चेंज करेंगे। इसमें भी रेस्ट कोई पकड़ा नहीं है, रेस्ट गिस्ट। इधर लेके आओ छोटू, वाइपर ब्लेड जो कि टूट गया है, तो हम लोग इसको भी रिप्लेस करेंगे, और इसको भी रिप्लेस करेंगे। ये बिल्कुल डेड हो चुका है, नहीं था, लेकिन ऐसे एक बार चेक करना प्रोसीजर है, इसको हम लोग चेक करेंगे। इसमें कोई फ्लेन नहीं है, मिल वायरिंग देखेंगे वो भी बिल्कुल बढ़िया है, कैलिपर पिन भी बढ़िया है, डिस्क भी अच्छा है। छोटा इधर फोकस करो, ले गया तो डिक्स बिल्कुल बढ़िया है, ब्रेक पैड भी आपको इसमें नहीं दिखा पा रहा हूं लेकिन बढ़िया है। पीछे चलो, ये बैक व्हील है, इसमें दिखाता हूं। तो व्हील बहुत ही अच्छा है, इसमें बैरिंग का साउंड क्या भी नहीं आ रहा है। बीम बूस्ट चेक करेंगे, तो ये आगे पीछे नहीं हो रहा है, इसका मतलब बीम बूस्ट भी अच्छा है। इधर लग जाओ दोस्तों, दोस्तों तो अब बारी है इसका ऑयल डाउन करने का। चलिए वीडियो में बने रहिए, तब तक मैं इसका काम करता हूँ। तो यहाँ तो दोस्तों जो डेनमो बेल्ट हम लोगों ने चेंज कर दिया, उसमें सेम नंबर का आप देख सकते हैं, 5PK1236, 5PK1236। दोस्तों जो कि यहाँ पे हम लोगों ने वाइपर ब्लेड का भी चेंज कर दिया, ये देखिए पहले टूटा हुआ था, अभी नया पे डाल दिया, बॉश का ओरिजिनल इसको भी डाल दिए। इसको चले नीचे गिराते हैं, ये बेस्ट। जो कि यहाँ पे हम लोगों ने डेनमो बेल्ट को इंसर्ट कर दिया है। दोस्तों तो यहाँ पे हम लोग एकदम ओरिजिनल हुंडई का जो ऑयल फिल्टर होता है वो यूज करेंगे, और यहाँ पे ये यूज करेंगे 5W30 फुली सिंथेटिक। फिर इसमें डालते हैं और गाड़ी आपको स्टार्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों तो इसका जो जनरल सर्विस होता है, जो
मेजर सर्विस होता है वो आप लोग के साथ, मैं किस वजह से इसको डायग्नोस किया, कंसेशन को किया, आपके साथ रखा, आपके साथ शेयर किया। दोस्तों ऐसे ही नए नए टॉपिक लेके आएंगे, तब तक हमारे इस आर एंड कार सर्विस को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला कुछ बुलंद हो तो आपके लिए और कुछ कुछ नया नया कर सकें। जय हिंद। दोस्तों तो गाड़ी चल जा चुकी है मेरे पास से सर्विस होके, ये वेस्ट बंगाल से गाड़ी आई थी मेरी।